ओम शांति। 4 जुलाई। बाबा आज हम सभी का बहुत ध्यान दिला रहे हैं सेवा पर। तुम्हें सेवा करनी है, प्रभु पैगाम सबको देना है कि भगवान ब्रह्मा रथ में आए हैं सत्य ज्ञान देने के लिए। और वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, तुम सुखधाम में जाओ, तुम्हें यहाँ भी बहुत सुख मिले, क्योंकि ये पाप की दुनिया है, दुखों की दुनिया है। बाबा आया है, दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखा रहा है। तो सभी समझते हैं भगवान सुख देता है, दुख हटता है। तो बाबा कह रहे सुख तो मैं देता हूं, परंतु मैं मार्ग बताता हूं। अगर मैं खुद सुख देता तो सब मेरे बच्चे हैं, मैं सबको ही दे देता, लेकिन मैं तुम्हें आकर पढ़ाता हूँ। जो जितना पढ़ते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, आत्मा देखने की प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा देखकर ज्ञान सुनाते हैं, वो उतने ही सुखी हो जाते हैं। तो पढ़ाई से और योग से तुम सुखी हो जाते हो। तो ये भी बड़ा गुह्य राज है कि भगवान सुखों का रास्ता बताता है, बता रहा है, उस पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। जो सुखी नहीं है, जो दुखों में रहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पे चलते नहीं हैं। बाबा ने अपने लिए एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आसुरी गुणों और दैवी गुणों दोनों से न्यारा हूं, इसलिए शास्त्रों में भगवान को निर्गुण कह दिया। दोनों गुणों से ऊपर है, सत्य यह है कि वो गुणों का सागर है। ये यहाँ के गुण उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें वर्षा देने आया हूं, कितना दुख है यहाँ, मैं सुखों का वर्षा दे रहा हूं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी दुखी हैं, राजा भी दुखी हैं, दुखों से छूटने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। आफतें आती हैं तो गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, सोचते हैं इससे हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे, अल्पकाल के लिए समाप्त होते हैं। ये पढ़ाई है और पढ़ाकर बाबा हमें उच्च पद भी देते हैं। अब वो हमारे हाथ में है, हम कितना ऊंचा बने, राजा ही प्राप्त करें, साहूकार बने, दास दासी बने। बाबा कह रहे हैं दास दासी भी राजाओं के दिलों पे चढ़े रहते हैं, भले ही पद छोटा है पर बहुत समीप रहते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं, प्यार तो वहां था होता ही है, तो वो भी जैसे दिल पे रहते हैं, परंतु वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य उच्च पद प्राप्त करना है। विनाश की बात बाबा कर रहे हैं, दुख बहुत पड़ गया है तो विनाश भी हो जाएगा। बाबा के शब्दों में तो जैसे वस्त्र बदल लेते हो ऐसे तुम दुनिया बदल दोगे, पर ये दुखधाम है, वो सुखधाम है, दुखधाम का विनाश होगा, सुखधाम की स्थापना हो जाएगी। तो बाबा आज बार बार प्रेरणा दे रहे हैं बहुत सेवा करो। ज्ञान अमृत मैगजीन में भी सेवाओं के समाचार आते हैं, उस टाइम थोड़े और ढंग से आया करते थे। तो बाबा कह रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ने से उमंग आएगी, हम भी ऐसी सेवा करें। वहां वहां इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बोलने का भी अभ्यास होगा, बोलने का भी अभ्यास करना चाहिए। उस समय भी प्रदर्शनी प्रारंभ हुई तो सभी को ज्ञान देने का अभ्यास हो गया। आज भी जिनको ज्ञान देने की प्रैक्टिस नहीं है वो प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस किया करें। धीरे धीरे बोलते बोलते मुख खुल जाता है, भय खत्म हो जाता है और फिर हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। बाबा एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आत्मा भी अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। ये बात क्यों कही? अविनाशी है इसलिए रिपीट होता रहेगा। तुमने एक 3 घंटे की फिल्म देखी, 2 बार देखेंगे तो वो हू रिपीट होगी ना। क्रिश्चियन धर्म की आबादी उन दिनों 100 करोड़ थी, तो बाबा कह रहे हैं अगले कल्प में इसी समय फिर से 100 करोड़ होगी।
कौन किस समय इस धरा पर आया, वो फिर से उसी समय पर इस धरा पर अवतरित होगा। तो ये कोई ये ज्ञान कैसे राज्य स्थापित हो रहा है, कैसा सुखधाम था बाबा सुखधाम की पूर्ण छवि हमारे सामने दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सुखधाम स्थापित कर रहा हूं, अब तुम पवित्र बन जाओ। तो हम सभी उच्च पद पाने का संकल्प करें। आज भी बाबा कह रहे हैं पढ़ाई से उच्च पद मिलेगा, ऐसे नहीं कि बाबा कृपा कर देंगे, ऐसे नहीं कि हमें जो कुछ मिलेगा ठीक है, ऐसे भी नहीं कि उच्च पद और सब पा ले हम तो ऐसे ही ठीक है, ये नहीं। हम स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें पूरी तरह से उमंग उत्साह में रहना है कि जब भगवान पढ़ाने आया है, जब वो मार्ग दिखाने आ गया है, तो हमें उससे सब कुछ ले लेना है। वरदान बहुत अच्छा है। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्ट हो जाओ, बड़ा ही गुह्य राज है। हमारा अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप है। मैं आत्मा यहां भी हूं, और जब मैं आत्मा परम धाम में हूं, इस स्वरूप में यदि हम रहने लगे, इसके नशे में यदि हम रहने लगे, तो एक अनुपम सुख, एक रूहानी सुख हमको मिलने लगेगा। हम स्वयं में संतुष्टता की महसूसता करने लगेंगे। और एक विशेष बात यह होगी, जब हम ये आत्मविमानी होने की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे, अच्छे स्वमान में रहेंगे, अच्छे संकल्पों में रहेंगे, तो दूसरों को संतुष्ट करने का गुण भी हमारे अंदर आ जाएगा। बहुत ही ये सुंदर बात है। तो हमें स्वयं भी संतुष्ट रहना है, हमारे अंदर से गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया। हम संतुष्ट मणि हैं, हमारी चमक चारों ओर फैलती रहेगी। हमें आगे बढ़ना है, बाप समान बनना है, समझना सोचना करना ये सब हमारे समान हो जाएं, यही तो हमारा लक्ष्य है, यही हमारा पुरुषार्थ है। जो हम सोचें, जो कहें, वही करें। तो आज सारा दिन हम संदेश किसी ना किसी को अवश्य देंगे और बाप दादा का आह्वान करेंगे। अगर आप हर घंटे में एक बार आह्वान कर लें, तो आपको महसूस होने लगेगा बाबा मेरे साथ रहता है, मन एक अनुपम आनंद में आ जाएगा श्याम तक, और बहुत अच्छी स्थिति अनुभव में आ जाएगी, हम संतुष्ट मणि बन जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.